आप सब लोग इस समय रेगुलेटर के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं, लेकिन आप विदाउट रेगुलेटर भी ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं अपने मरीज को। बस उसके लिए थोड़ी सी टेक्निक की जरूरत है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने 20 ml सिरिंज लेनी है, उसका पिस्टल को अलग कर देना है, ठीक है ना। इसको हल्का सा काट लेना है, इसके बाद हमें सिलेंडर के नोजल पे इसको फिट कर लेना है। उसको उसके बाद 2-3 रबड़ बैंड हमें लगा लेने हैं जिससे थोड़े से लीकेज ना हो। इस प्रकार से हमने सिरिंज को लगा लिया है और अब हम सिलेंडर को खोलेंगे। बहुत ही धीरे गति से खोलना है, ज्यादा तेज नहीं खोलना, ठीक है। खुल गया सिलेंडर। अब आप इसके बाद जो मास्क की ट्यूबिंग है उसको भी काट लेनी है कि इसके नोजल पे अच्छी तरह से फिट हो सके। फिट होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी ऑक्सीजन बहुत ही 2 या 4 लीटर में पहुंच रही है आराम से, ठीक है। इसको आप मास्क द्वारा पेशेंट को लगा के ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। इसलिए रेगुलेटर के पीछे परेशान ना होए, खाली सिलेंडर होना चाहिए और गैस होनी चाहिए, आप आराम से पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं।